हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो जैसे कि आप सभी ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग वापी आए हुए थे, तो आज हमारा प्लान है दमन जाने का। तो अभी हम सभी लोग जा रहे हैं, अभी सब तैयार हो रहे हैं, तो अभी हम सभी तैयार होके निकलेंगे दमन के लिए। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर ही होता है, तो वही दमन जा रहे हैं हम सब। मैं तो पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो आप भी ब्लॉग में एंड तक बने रहें। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं दमन और यहीं पे दरिया पे, और गाड़ी हमने लगा दी है, पार्क कर दी है यहाँ पे। चलो अभी निकलते हैं। तो ये देखो गाइज, तिरंगा देखो हमारा। हेलीकॉप्टर। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे एक तिरंगा बड़ा सा लगा के रखा है, उसी तरह कुछ और भी एक लगा के रखा है। ये रहा लाइट हाउस के बिल्कुल बगल में, और ये सब बोटिंग करने के लिए यहाँ पे बोट्स रखी गई है, इसको भी बोटिंग वोटिंग वगैरह करना हो तो। और यहाँ पे ये टेंपल है, और ये पूरे का पूरा दरिया है, मतलब कि ओशन। तो ये सब यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है अभी फिलहाल, मतलब बहुत अंदर तो नहीं जा सकते। ये देखो गाइस, इतने सारे तिरंगे लगाए हुए हैं, ये देखो चारों ओर तिरंगे, जैसे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पे आपको तिरंगा देखने को मिलेगा।
और ये है दमन बीच। ये देखो गाइस, वीडियो में आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सही में यार इतना खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे देखो, ये पीछे फोटो शूट चल रहा है, उसके पीछे ये बारिश है गाइस, जो हमारी तरफ आ रही है नजदीक। तो गाइस यार, आज तो हमारा पोपट का सूरज भी निकल चुका है और व्यू देखो इतना अच्छा व्यू है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तो गाइज, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको मजा आया होगा।